अरे हम सुभाष कैंप में, और सुभाष कैंप जो है दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर स्थित ये सुभाष कैंप, जिसका नज़र आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर झुगियाँ बनी है, और ये तमाम झुगियाँ आज की नहीं, कई वर्षों पुरानी बनी है। इन तमाम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो चीख चीख कर हाई कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि बस्तियाँ कितनी पुरानी है, ये घर कितने पुराने हैं। हाई कोर्ट में DDA खुद बोल चुका है, सरकार बोल रही है कि अभी हम इनके घरों को नहीं तोड़ेंगे, उसके बावजूद भी आज इस बस्ती में कोई यह कह के चला जाता है कि मैं DDA से हूँ और इन बस्ती को खाली कर दिया जाए। इस कोरोना महामारी में, इस भयंकर सर्दी के अंदर, बरसती बारिश में भला ये सब लोग कहाँ जाएंगे, इनका कोई पुनर्वास नहीं। दिल्ली की योजनाएं जहाँ पर सर्वे हो रहा है, आखिर इस बस्ती का प्रॉपर सर्वे क्यों नहीं हुआ, आखिर इन बस्ती के लोगों के लिए कोई शेल्टर या ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था क्यों नहीं है, इन लोगों के लिए पक्का पुनर्वास, सम्मानजनक आवास कहाँ होगा। 2022 ये बीतने वाला है, शुरू हो चुका है, बीतने वाला है, किसी को यहाँ पक्का मकान नहीं मिला। प्रधानमंत्री की जो घोषणा है कि 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा, वह भी यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। मात्र प्रधानमंत्री महोदय के पास में 10 से 11 महीने हैं, अगर वह चाहे तो अपनी इस घोषणा और सपने को साकार करके दिखाए। अब यहाँ के मुख्यमंत्री जीरो इविक्शन की बात करते हैं, जीरो इविक्शन पॉलिसी है तो क्यों तोड़ने की दहशत के अंदर ये सारी महिलाएं और ये तमाम जनता, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घर में साफ सफाई करने वाली हमारे घरेलू कामगार बहने हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, और सच में कहें तो इनके पास ये जो बनी हुई झुग्गियाँ हैं, ये तमाम लोग होमलेस हैं, बेघर हैं। इन्हीं को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही, करोड़ों लोगों को घर का सपना साकार करती हुई सरकार, जब तक इन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को घर नहीं मिलेगा, तब तक ये कहे हुए स्वर्णिम शब्दों में कहे हुए दोहे, डायलॉग, सब कुछ धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि इन सपनों को और इन दोहों को साकार करें और इनको एक आशियाना दे, क्योंकि जिंदा जी ये लोग अपना पकान इस प्रकार की स्थितियों में, महंगाई के दौर में, इस प्रकार के दौर में जहां लोगों के अंदर दहशत है, इस प्रकार के दौर में जहां खाने का ठिकाना नहीं है, भला ये अपने घर आशियाने का सपना कैसे साकार करेंगे। सरकार इस काम को कर सकती है, तभी इस देश की सही मायने में कहलाने वाली सच्ची, ईमानदार, जिम्मेदार सरकार होगी जो इनको आशियाना मुहैया करवाएगी। जी, 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 जी।